बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे आपका टॉपिक है कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर ये होते हैं कि एक नंबर कितने टाइम किस कितने डिजिट्स पर डिवाइड हो रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, वो नंबर सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसी टेबल में यूज होता है, बल्कि वो डिफरेंट टेबल्स में यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 36 एक फैक्टर है, 36 एक नंबर है, हम देखते हैं कि 36 किस किस डिजिट पर डिवाइड हो रहा है। 36 वन पे डिवाइड हो जाता है, 36 टू पे डिवाइड हो रहा है। टू पे कैसे डिवाइड हो रहा है? जैसे 36 को आपने रखा टू पे, किया टू वन जार टू और आपका वन आ गया ये सिक्स, टू एट जार 16, यानी कि ये टू पे डिवाइड हो रहा है। 36 थ्री पे डिवाइड हो रहा है, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स। 36 फोर पे डिवाइड हो जाता है, यानी फोर नाइन जार 36। सिक्स पे डिवाइड हो जाता है 36, सिक्स सिक्स जार 36। ये आगे आ रहा है, नाइन पे डिवाइड हो जाता है, यानी 36 आगे हम देखते जाएं तो ये आगे आगे और डिवाइड होता जाता है। ये जो जिन डिजिट्स पे ये डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। ये इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। अब बात हो रही है हमारे कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर में ये होता है कि जब आपको दो या दो से ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, आप उनके फैक्टर लिखते हैं, तो उसमें कॉमन, कॉमन मीन एक जैसा, एक जैसा आप उसमें से अपना फैक्टर निकालते हैं तो वो आपके पास आंसर हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो बात ये कर रहे हैं, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट 6 and 10 आपने सॉल्व लिखा। सॉल्व में आपने सबसे पहले लिखा कि द फैक्टर्स, क्योंकि ये दो से ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, यानी सिक्स किस किस डिजिट पर डिवाइड हो सकता है। सिक्स वन पर डिवाइड हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। सिक्स टू पे, टू थ्री जार सिक्स, थ्री पे डिवाइड हो रहा है, थ्री टू जार सिक्स, और ये फोर के टेबल में नहीं आता सिक्स, और ना फाइव पे आ रहा है, और सिक्स बजाते खुद आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि द फैक्टर्स ऑफ टेन, यानी अब आपने टेन के फैक्टर बताने हैं। टेन के फैक्टर का मतलब है टेन किस किस डिजिट पर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले आ जाएगा वन, इवन ऑल इवन नंबर, ऑल प्राइम नंबर, ऑल ऑड नंबर, ऑल कंपोजिट नंबर, सारे जो भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे वन पे मस्ट डिवाइड हो रहे होते हैं। इसके बाद टेन टू जार टू, फाइव जार टेन। इसके बाद थ्री के टेबल में टेन नहीं आ रहा, फोर में नहीं आता। नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइव, फाइव टू जार टेन। अब नेक्स्ट, अब आगे वो बड़े टेबल्स आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढे, कॉमन फैक्टर्स यानी कि बिल्कुल एक जैसे। सबसे पहले आपने देखना है ये वन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि वन कॉमा। उसके बाद आपने देखा कि ये टू मिल रहा है और आपने यहाँ पे लगा दिया टू, और नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट है और आपका आंसर इतना ही बनेगा। ये जो चीज है ये आपके पास आ जाएगी कॉमन फैक्टर। इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लिखा हुआ है 28 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ही लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है 28 एंड 36। अब आपने सबसे पहले लिखे हैं सॉल्व, सॉल्व के बाद आपने नीचे लिखा कि द फैक्टर्स ऑफ 28, 28 किस किस पे डिवाइड होता है? सबसे पहले 1, 28 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2, 2 पे कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कटिंग करके देख लिया करें। 3, 3 के टेबल में 27 आता है, 28 नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है 4, 4 7 जा 28,
सिक्स पे नहीं हो रहा क्योंकि सिक्स पे 24 आ जाता है। नेक्स्ट फाइव पे नहीं हो रहा, सेवन पे हो रहा है। सेवन कितने जार? सेवन फोर जार 28। नेक्स्ट आता एट आ जाता है, एट के टेबल में 28 नहीं आता। नाइन में 27 आ जाता है। नेक्स्ट टेन में नहीं आ रहा। आप इलेवन में आपने ना जो डिजिट आपको दिया जाता है ना, आपने उस डिजिट तक जाना होता है कि ये किस किस पे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट आपका 12 पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट 12 पे बाद आपका ये किस पे हो रहा, 13 पे नहीं हो रहा। 14 आपका आ जाता है 14 2 28। नेक्स्ट 15 से अगर टेबल पढ़े तो वो 30 से अबव हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट 28 खुद आ जाएगा। ठीक है, अब बात होती है 36 की। आपने लिखा है कि द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 36 वन पे हो रहा है, टू पे हो रहा है, 2 18 जार, 3 12 जार, 4 कितने जार? 4 9 जार। कटिंग करके देख लिए, 4 के बाद 5 पे नहीं हो रहा, 6 यस 6 जार 36 हो जाता है। इसके बाद 36 के बाद 9 4 जार 36। 10 के टेबल में 36 नहीं आ रहा, अब 11 पे 36 नहीं आ रहा, 12 3 जार 36। नेक्स्ट 12 के बाद आ जाता है ये 12, आगे 14 पे नहीं हो रहा, 15 पे नहीं हो रहा, 16 पे भी नहीं हो रहा, 18 पे हो रहा है, 36 18 पे हो रहा है। नेक्स्ट बजाते 36 खुद आ जाएगा। अब आपने इसमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 1 हर एक का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 3 नहीं मिल रहा, नेक्स्ट हमारा मिल रहा है 4, और नेक्स्ट और कोई नहीं है। अब आपने यहां पे फिर अपना लिखना है कि कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से आए हैं, 1 2 एंड 4, ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यही करना है कि आपने दो दो आपको डिजिट दिए गए हैं, आपने उनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद पहले आपने उनके फैक्टर लिखने हैं, फिर आपने उसमें से कॉमन फैक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है फाइंड HCF, एच हाइएस्ट, एच मीन हाइएस्ट, सी कॉमन, एफ फैक्टर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रही है HCF, ए मीन हाइएस्ट यानी सबसे बड़ा, सी आपका हो जाता है कॉमन, और एफ आपका हो जाता है फैक्टर यानी सबसे बड़ा फैक्टर। अगर ये जो क्वेश्चन सामने है इसकी बात करें, जब आप इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन निकला है वो आपके पास ये वाला 4 है। 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, आगे 4 वो आपके 3 फैक्टर है, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर 4 है। फिर आप जब अपना आंसर लिखेंगे तब आप यहाँ पे लिखेंगे कि HCF हमारे पास 4 आ गया है। हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर टू में सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ, लिखा हुआ है कि सेकेंड पार्ट करते हैं 25.45। सर आपने यहाँ पे लिखा है सॉल्व, लिखा आपने सॉल्व में आपने सबसे पहले लिखा के द फैक्टर्स ऑफ 25 यानी 25 किस किस टेबल पर डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 1 5 और 25 खुद, क्योंकि 25 हमने किसी और टेबल में नहीं पढ़ा। फिर हम कहते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ 45 किस किस फैक्टर पे आ रहे हैं, यानी कि 45 के फैक्टर्स कौन से हैं। 1 3 कैसे होगा, क्योंकि 3 15 जार या 15 3 जार,
इसके बाद 5 नाइन जार 45 होता है, फिर 9 आ जाएगा क्योंकि 5 9 जार 9 5 जार। इसके बाद 15 3 जार 3 15 जार, और इसके बाद 45 खुद। अब आप इसमें से कॉमन निकालें, एक तो ये आपके पास हो गया 1 और एक आपके पास हो गया ये वाला 5। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से आपका एच सी एफ क्या है, यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन निकला है फैक्टर वो क्या है। एक आपके पास 1 है और एक आपके पास 5 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा आपके पास 5 है और ये आपके पास आंसर है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है। अमाउंट बेटा बेशक आपको यहाँ पे 2 दे 3 दे या 4 दे, इससे आपको कोई भी किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपने फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि फैक्टर है, फैक्टर्स के साथ आपने ये देखा है कि इसमें से कॉमन निकालना है। पहले में वो सिर्फ कॉमन की बात कर रही है और दूसरे में वो जो बात कर रही है, दूसरे में वो कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन निकाले, यानी बड़े से बड़ा कॉमन निकाले, और आपने उसमें से बड़े वाला कॉमन में निकाल देना है। चाहे किसी डिजिट में बेशक सिर्फ 1 ही क्यों ना निकले, आपने 1 ही लिख देना है कि इसका जो फैक्टर निकला है वो हमारे पास सिर्फ 1 ही है। आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी कॉपी पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।